नमस्कार, आप सुन रहे हैं द बॉलीवुड रेडियो और मैं हूं आपके साथ अनूप आकाश वर्मा। सुशांत सिंह राजपूत की मौत की गुत्थी सुलझने की बजाय और ज्यादा उलझती हुई दिखाई देती है, लेकिन इस बीच एक और एंगल निकलकर सामने आया है और यह एंगल है कि क्या सुशांत सिंह राजपूत की मौत के पीछे अंडरवर्ल्ड का हाथ हो सकता है। दरअसल सुशांत सिंह राजपूत केस में हर दिन नए खुलासे हो रहे हैं, नए दावे किए जा रहे हैं और अब इस मामले में रॉ के एक पूर्व अधिकारी ने सनसनीखेज दावा किया है। उन्होंने कहा है कि सुशांत की मौत के पीछे अंडरवर्ल्ड और बॉलीवुड का नेक्सस हो सकता है। यह भी संभव है कि सुशांत के घर में काम करने वाले कर्मचारियों को पैसे देकर अभिनेता की हत्या के लिए दबाव बनाया गया हो। रॉ के अधिकारी सूद ने कहा है कि सुशांत केस में पैसों का एंगल सिर्फ ध्यान भटकाने के लिए लाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि मैंने पहले भी कहा था कि इस केस में अंडरवर्ल्ड का हाथ हो सकता है, अंडरवर्ल्ड के लोग काम करते हैं तो इसी तरीके से करते हैं। उन्होंने कहा कि अकाउंट में पैसे जमा कराने वाला एंगल प्लानिंग के तहत लाया गया, जानबूझकर पैसे अकाउंट में जमा कराए गए ताकि पुलिस का ध्यान इस तरफ जाए और असली गुनहगारों तक कोई पहुंच ना सके। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने सुशांत सिंह राजपूत केस की जांच सीबीआई को सौंप दी है। सीबीआई द्वारा मामले की जांच के लिए गठित एसआईटी की टीम मुंबई पहुंच चुकी है। एसआईटी की अगुवाई में तेज तर्रार आईपीएस ऑफिसर मनोज शशिधर इस पूरे मामले को देख रहे हैं और आईपीएस गगनदीप गंभीर भी टीम का हिस्सा हैं। टीम में कुल 10 लोग शामिल हैं। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो पूरी टीम को 3 हिस्सों में बांटा गया है जो अलग अलग पहलुओं पर काम करेगी। सुशांत सिंह राजपूत के पिता ने इस मामले में रिया चक्रवर्ती के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई थी। मामला गरमाने पर बिहार सरकार ने केस की जांच सीबीआई से कराने के लिए केंद्र से सिफारिश की थी और केंद्र सरकार ने जांच केंद्रीय एजेंसी को सौंप दी। सीबीआई ने मामले में रिया चक्रवर्ती, उनके भाई और माता पिता समेत कुल 6 लोगों पर एफआईआर दर्ज की है। साथ ही ईडी ने भी इस केस में मनी लॉन्ड्रिंग के एंगल से जांच शुरू कर दी है, यानी कि हर एंगल से सुशांत सिंह राजपूत की मौत की गुत्थी को सुलझाने की कोशिश हो रही है, लेकिन अभी तक ये मामला पूरी तरीके से ये मामला उलझा हुआ दिखाई देता है। हर एंगल से इस पूरे मामले को टटोला जा रहा है, लेकिन ये बात सच है कि ये गुत्थी सुलझने की बजाय और ज्यादा उलझती हुई दिखाई देती है। सुनते रहिए द बॉलीवुड रेडियो।